अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आरएस कपिल के एनआर में आप सबका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज आप मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो बात ये है कि दरअसल आजकल के दौर के हिसाब से आज क्या हुआ, मतलब एक लड़की से एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था फ्रेंड्स, तो उन्हें एक्सेप्ट कर ली। तो अपने ऑफिस में दोनों की बात चल रही थी, इनसे बात कर रहे थे, थोड़े अपने अपने बातें भी थोड़े इनो शेयर कर रहे थे, उन्हें भी शेयर कर रहा था। तो ऐसे बात बढ़ते गई, तो ये लोग अपना एक दूसरे का एड्रेस भी शेयर कर लिए, ये बच्ची कहाँ से पढ़ रही क्या है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो बच्चा डेली वो वहाँ पे आता था, ठहरता था, देखता था, जाता था। फिर थोड़े दिनों के बाद में ये बच्ची भी जहाँ पढ़ रही थी वहाँ से बीच में क्लासा छोड़ दे के निकल के जाके, तो ये बच्ची भी जाके पर्सनली बच्चे से मिलना करना ये चल रहा था बोले सा। तो इसमें क्या हुआ, ये लोग दोनों एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन दे चुके थे, तो कोई भी नहीं जब घर पे इन्वाइट करो बोल के बुला था तो बच्चा। तो ये बच्ची पूरे बातें बोलती थी बोले सर घर में अपना, यानी यहाँ तक कि घर में क्या पक रहा, क्या है, क्या खा रहे, कौन मेहमान आ रहे, कौन जा रहे, आज क्या लाए, आज क्या बनाए, मतलब घर में किधर बैठ के है, सब कहाँ है, क्या है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन वो बच्चे को रहती थी बोले सर। तो बच्चा एक बार बोला कहते तो एक काम करो आप, कोई भी घर में नहीं जब मेरे को इन्वाइट करो ना, एक बार मैं आता हूँ आपके घर को बोल के बच्चा बोला। तो बच्ची क्या करी, एक बार ऐसे जो हुआ तो बच्चों घर वालों को एक काम से सबको बाहर जाना पड़ा तो चले गए। तो एक बार बच्ची अकेली है, देखे क्या करी वो बच्चे को कॉल करी, बच्चे कॉल करे तो बच्चा क्या करा घर को आया कहते, घर को आके क्या करा बच्ची को एक चॉकलेट दिया कहते भाई, एक बच्ची को चॉकलेट खिला दिया कहते, चॉकलेट खाते जो खत्म, बच्ची बेहोश होकर गिर गई। गिरने वाला था क्या होने का था, जो नहीं होना था वो हो गया, मतलब क्या हुआ बोले तो खत्म, उन्हें बेहोशी से देख लिया, बेहोशी का फ़ायदा उठा लिया उन्हें, सीधा किचन में भागा, जाके पूरा घर पूरा टटल आ गया। तो टटल के जो किचन में भाग के फ्रिज का डोर खोल दिया, जितने टमाटे हैं उसके भाई लाए सो रात में टमाटे थे कहते, वो पूरे टमाटे की पोटली पूरी ले लेके चले गया कहते। और क्या देख रहे हो गई कहानी, लोगों की स्टोरियाँ बोलते इतना इंटरेस्टेड से सुनते तुम लोग, सुने रहा हो गई मेरी स्टोरी, जस्ट कॉमेडी था फ्रेंड, ज़्यादा सीरियसली मत लेना इस चीज़ को। वैसे कॉइन इन्फॉर्मेशन मेरा क्या है कि आज हम लोग टमाटा बनाए, सो आजकल के दौर में टमाटा बोले तो एक हाईएस्ट चीज़ की तरह हो गया। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा जोक था, तो इसको कोई सीरियसली ना ले, और ये जोक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, आरएस कपिल के एनआर। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ एक और एक नया वीडियो लेके, जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।